अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शब्बू। मैं शिब्बू। प्लीज परे हट लव देखने आए। प्लीज परे हट ले। ये क्या किया? ये तो आपका ऑडिशन ही फेल हो गया। ये क्या पढ़ रहा है? फंबल हुआ है ना। रीटेक। प्लीज परे हट लव देखने आए और अपना बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा प्यार हमें दीजिए। हमें दीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं दिल पे मत लेना। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन भी करा दूँ जी। मैं एक होस्ट हूँ, ठीक है? आप शायद मुझे जानते होंगे या शायद नहीं जानते होंगे, तो मेरा नाम अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको ना मेरी ना वीडियोज़ वगैरह मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मैं थोड़ा सा ना कभी कभार हकलाता हूँ, मगर कोई ऐसा मसला नहीं, मैं ना होस्टिंग कर सकता हूँ और चीज़ें ना कभी कभार भूल भी जाता हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आज जो मेरे साथ इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी एक प्यारी सी लड़की मौजूद हैं, इनका नाम है, आपका नाम काफ़ी लंबा मुझे याद नहीं होता, क्या नाम है आपका? ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। बड़ी अच्छी शर्ट पहनी आपने। थैंक यू। नहीं, ऊपर वाली, अंदर वाली नहीं। ये वाली, ये ना ड्रैगन शर्ट कहता हूँ मैंने। ड्रैगन शर्ट बहुत अच्छी। यस 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 यस। आपको पता है मैं आपके ना भाई का ना एक्स फ्रेंड हूँ। एक्स? हाँ, वो काफ़ी अर्सा हमारी दोस्ती रही थी। एक्स ही है, मतलब भाभी क्या करती है। हाँ, काफ़ी दोस्ती रही थी कुछ अर्सा, फिर उन्होंने ना मेरा फ़ोन उठाना छोड़ दिया और हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई। कैसे हैं वो? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हैं। उन्होंने और दोस्त बना लिए होंगे? मैं बात करूँगी लेकिन वकास भाई से कि ये क्या तरीका था। थैंक यू मेरे शो में आने के लिए। अच्छा, उन्होंने मुझे पता, मैंने नोट किया आपकी शक्ल ना आपकी अम्मी से बहुत मिलती है, मगर वकास और आपका जो दूसरा भाई उनसे नहीं मिलती, तो क्या वजह? उनकी मेरे से नहीं मिलती। जी नहीं, आपकी उनसे नहीं मिलती? मेरी उनसे नहीं मिलती। यस yes. उनकी बाबा से मिलती होगी फिर। हाँ, हो सकता है। यानी वैसे तो मुझे लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल बाबा से मिलती है और अब अम्मा से ज़्यादा नहीं मिलती। नहीं, मिलती है। मिलती है, बाप ने कह दिया तो मैंने बस मान लिया। अरे भी ऐसे आपके अबू भी बड़े स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम है। एक दफ़ा मैं उनसे मिला हुआ, वो क्या कहते हैं, रिटायर्ड आर्मी अफसर रहते हैं ना। जी वो इतने सख्त थे, ठीक है? तो उन्होंने आपको अलाउ कैसे किया एक्टिंग में? बहुत लंबी दास्तान है। नहीं, इतना लंबा हमारा शो नहीं है, ठीक है? शॉर्ट सा बताते, एक लाइन में बस ये हुआ कि उन्होंने कहा था बेटा पहले पढ़ लो फिर शादी कर लो, जो सब माँ बाप कहते हैं, और फिर काम कर लेना। तो फिर मैंने पढ़ लिया, फिर शादी कर ली, फिर काम कर लिया। हाँ, मैंने ये पूछा ना, आपने इतनी जल्दी शादी की, अभी आपकी एज कितनी होगी? 15-16 साल होगी, तो इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? अच्छी एज है मेरी। अच्छी क्या होती है? 28। आप बता देती हैं? हाँ, नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता। नहीं, फर्क पड़ना चाहिए। आपने शादी इतनी जल्दी कर ली, क्यों कर ली? मुझे अच्छे लग गए सर। ठीक है। अच्छा, वैसे ना आपके भाई वकास ने ना मुझे अपनी शादी पे बुलाया था, मगर आपकी शादी पे नहीं बुलाया, वजह क्या थी? शायद आप लोग की दोस्ती तब ख़त्म हो गई थी। हाँ, ये हो सकता है। ये हो सकता है। अच्छा, वैसे आप मुझे बताएं, आप बड़ी होकर आप बुशरा अंसारी बनना चाहेंगी या अपनी अम्मी यानी अस्मा अब्बास बनना चाहेंगी? मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और अब मैं ज़ारा बनना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं इन शैडोज से निकल के ज़ारा बन के काम करूँ। ज़ारा बनेंगी आप? बड़ी होकर आप ज़ारा बनो। अभी आप क्या है? अभी मैं सितारा हूँ। हाँ, सितारा ये सितारा बन गई। आपकी दो फिल्में आ गई हैं, आपकी पिछली फिल्म चलावा जो थी जी। वो इतनी बड़ी हिट हुई थी। अच्छी लगी आपको? मैं देखी नहीं थी। ओहो, क्योंकि तो वो अभी ना कैसे ऑनलाइन नहीं ना आई। ऑन पायरेसी? नहीं, यूट्यूब पे जब अपलोड हो जाती है मैं तब, तो वो पायरेसी होती है? नहीं, वो लोग ऑफिशियल साइट पे करते हैं अपलोड। अच्छा। जो आपकी वो कितने की जीती, जियो की है, ARY की, किसकी है? हम टीवी। जो हम टीवी वाले अपलोड कर देंगे ना मैं तब देखूंगा, क्योंकि वो ना टिकट बड़ी महंगी है ना, तो मेरा अगर कोई मुझे आप बेशक मेरी वो नहीं देखे, आप ये वाली जो ARY ने की आप वो देखिएगा। पिछली फिल्म आपकी हिट हो गई है, ठीक है? ये जो हो गई, हाँ, ये जो अब फिल्म आ रही है आपकी, क्या नाम है इस फिल्म का? इस फिल्म का नाम है परे हट लव। परे हट लव। सॉरी मुझे ना वो कन्फ्यूजन, क्योंकि ना इस ईद पे तीन फिल्में आ रही, तीनों में मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है किस फिल्म में कौन है। एक वो सुपरस्टार आ रही है, एक हीरमांझा आ रही है, और एक ये परे हट लव आ रही है। तो आप सुपरस्टार और हीरमांझा में नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं परे हट लव में हूँ ना। अच्छा, आपने आप वो फिल्में नहीं कर रही? नहीं, मैंने वो फिल्में नहीं की। परे हट लव आपने सिर्फ परे हट लव की है? हाँ। वो वजह क्या थी? आपको उन फिल्मों से ऑफर नहीं आई थी? क्या पता,
लेकिन वजह यह है कि पारे हट लव आसिम रजा ने डायरेक्ट की है, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई रह जाता है जवाब इंसान की ज़िंदगी में कि ना कोई काम करे उनके साथ। वैसे मैंने सुना ये फिल्म ना परे हट लव का बजट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये काफ़ी ना खर्चा हो गया इस फिल्म पे। ये तो आपको प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा, मैं तो एक्टर हूँ, मुझे खैर बहुत अच्छा बजट मिला। आपको देख कर लगा होगा इतने बड़े बड़े सेट लगे हैं, आपको लगा होगा यार मैंने पैसे कम तो नहीं मांग लिए। नहीं ऐसा नहीं लगा, सेट बहुत बड़े लगे थे, लेकिन उससे भी बड़ा जो एक फैमिली और ख़ानदान का एक जो रिश्ता बन गया हमारा सबका आपस में, आई थिंक जितने भी पैसे मिले वो उस मोहब्बत का कोई मोल नहीं है। ये जो है फिल्म, ठीक है, इसके अंदर आपका रोल जो है कितना रोल आपके कितने सीन हैं और थोड़ा सा बता दें ये इसमें क्या आप बनी हुई मैं बनी हुई हूँ। एक लड़की है शब्बो, बहुत फिल्मी है, उसको बहुत शौक है गाने का, खाने का, पीने का और डांस करने का, और वो फिल्म में जो जहाँ भी शादी हो जाती है, कोई भी इवेंट होता है, शब्बो चली जाती है डांस करने के लिए। और शब्बो का लव इंटरेस्ट भी है एक अहमद अली भट्ट जो हैं अरशद। तो अरशद जहाँ होते हैं वहाँ पीछे 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 शब्बो होती हैं। तो ये फिल्म जब मैंने चूज़ की थी, ये मेरी पहली फिल्म थी, पहली दफ़ा मैंने साइन की, आसिम रजा वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यू नो ढूंढा कि अच्छा ये कॉमेडी करेगी, उससे पहले अगर आपने मेरा काम देखा हो पता नहीं, तो उसमें मैं रोने धोने वाले रोल करती थी। तो बस उन्हें अच्छे लगे, उन्होंने कहा कि अच्छा ये रोने धोने वाले से बिल्कुल अपोजिट करवाऊँगा। तो वो बहुत अच्छी एक मज़े की चीज़ बन गई, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कॉमेडी करूँगी। और अब आई होप फीडबैक अच्छा हो, लोग को अच्छी लगे, आसिम खुश हैं, तो मुझे लगता है कि जब आपको पता चला कि अहमद भट्ट आपके साथ हीरो हैं तो आपने इनकार क्यों नहीं किया? क्योंकि अहमद भट्ट के साथ जो काम नहीं करेगा वो मुझे लगता है कोई नंबर का बेवकूफ़ इंसान होगा। वो तो जिस फिल्म में होते हैं वो फिल्म सुपर हिट होती है। मैं भी करना चाहता हूँ मगर उन्होंने किसी ने मुझे ऑफर नहीं की। उनके साथ मैं भट्ट साहब से बात करती हूँ। हाँ। और मैं आसिम से बात करती हूँ कि आपको और भट्ट साहब को नेक्स्ट फिल्म में। जैसे मैंने सुना भट्ट साहब एक फिल्म में हीरो भी आ रहे हैं, तो वो फिल्म, अरे तो आपने मुझे कास्टिंग का मौका दे दिया, आई थिंक हम बात करते हैं भट्ट साहब से, वो हीरो और आप हीरोइन। ये ना हो कि आप मेरी बात करें, मुझे अपनी बात कर लें। नहीं मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस, मैं आपकी ही बात करूंगी, आई विल मेक श्योर कि उस फिल्म में हीरोइन नहीं, हीरो का दोस्त, रोल हीरो का दोस्त। अच्छा आपको पता है हीरो के दोस्त तक ही महदूद है, हीरो का सोचें, सोचें कि आप हीरो बने, वो हीरो तो खुद बन गए हैं ना, ठीक है, तो हीरो का दोस्त ही रह गया ना। हाँ रहे तो हीरो का दोस्त क्या है, तो अच्छा चले मैं उनसे बात करती हूँ भट्ट साहब से। ठीक है। अच्छा मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपका है ना BBC पे चला था। हाँ उसके अंदर आपने ना बॉडी शेमिंग वो क्या होती है मुझे तो नहीं पता। हाँ वो होता ये है कि जब आप किसी तरह दिखते हैं या किसी तरह आप लगते हैं तो लोग अगर उसके बारे में, अगर आप सूखे हैं तो सब आपको तीली तीली कह के बुलाएं, अगर आप बिग साइज हैं तो सब आपको मोटा मोटा कह के बुलाएं। मुझे लोग नुकीली नाक वाला कहते हैं। इसको भी बॉडी शेमिंग कहते हैं। मैं भी मगर मुझे बुरा नहीं फील होता। आपका दिल बड़ा है, ये बात होगी। अल्लाह मियाँ ने जिस तरह जिस इंसान को बनाया है, हम अल्लाह की ज़ात को क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना। अगर कोई आपकी नाक पे करे बात या कोई मेरे बालों पे बात की, तो अल्लाह मियाँ ने बनाया है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहें, और ये बॉडी शेमिंग और ये कलर शेमिंग। आपको लोग क्या कहते थे? मुझे लोग कहते थे कि मुझे जीन्स नहीं पहननी चाहिए। ये क्या बात हुई? हाँ क्यों कहते थे? क्या आप मोटी लगेंगी? नहीं नहीं ये लफ्ज़ नहीं अच्छा है, ये लफ्ज़ नहीं अच्छा। हाजरीन किसी भी, ठीक है, बंदा या बंदी कोई भी हो, ठीक है, उसको ये लफ्ज़ कहना, मगर क्या तीली है या सुखे हैं या काले हैं या मोटे हैं, ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। आप फेसबुक पे टाइप करके लिख दे मगर मुंह से ना कहें। नहीं किसी को भी नहीं कहे, मुझे लगता है बस पॉजिटिव रहे, टाइप भी नहीं करना, टाइप भी नहीं करना, बस ऐसी ना इशारे से कह दें, बस आप इशारे से कह दें। अगर आपको बहुत ही शौक हो रहा है, आपसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप इशारे से कह दें, ठीक है। तो इससे फिर बहुत फ़र्क पड़ा, आपने वज़न काफ़ी कम कर लिया? वज़न तो मैंने वैसे ही कम किया, क्योंकि आई थिंक एक हेल्दी चीज़ होती है अपना ख्याल रखना। बट मुझे लगता है कि जो बॉडी शेमिंग होती है, ट्रोलिंग होती है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है एक्टर्स को, बुरा लगता है कोई आपको कुछ भी कहे, तो आई थिंक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पर नहीं इतनी तनकीद करनी चाहिए। एक चीज़ मुझे बताए, ख्वाजा सरा वाले रोल हमेशा मेल क्यों करते हैं, फीमेल्स को मौका क्यों नहीं मिलता?
मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, आई एम नॉट अ डायरेक्टर, लेकिन मेरी वहाँ तक अप्रोच गई नहीं है. बट अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके हाथ लगे जो दोनों फिल्में आई आपने सेकंड लीड क्यों किया, हीरोइन कब बनेगी? मैं इन दोनों फिल्मों में हीरोइन हूँ, यानी देखने वाली नजर चाहिए. मेन हीरोइन पहली फिल्म है आपकी, हमेशा याद थी मेन. ठीक है, पहली फिल्म ये है, दूसरी. अच्छा, पहली फिल्म में माया है, ठीक है, दूसरी फिल्म में मैविश. मगर वो पहले आई ना, तो वो पहले हुई. नहीं ना, ये पहले साइन की, तो ये पहली. मगर वो जो ये पहली रिलीज पहली हुई, तो वो पहले हुई ना. लेकिन ये पहले आई साइन की, पहले इन्होंने काम किया, तो फिर ये पहले. मगर ये देर होगी ना इन्हें. नहीं, इन्हें देर नहीं हुई, तो आप अपनी उन्हें जल्दी हो गई. पहली फिल्म ये कहती है, मैं हमेशा पहली फिल्म वही होती है जहाँ से आप सब सीख के निकले. ये पहली फिल्म थी जहाँ से मैंने हर चीज सीखी, इसीलिए उसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग की है आपने. वो जो इसमें उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग, अच्छा इसमें इससे अच्छे पहली फिल्म में आपने अच्छी एक्टिंग की है और इसमें फिर थोड़ी कम अच्छी की उसमें. वैसे काफी लोगों ने कहा है कि उस फिल्म में ना छुलावान में आपकी एक्टिंग लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की. अच्छा, थैंक यू. हाँ, जितने लोगों ने भी यकीना कह रहे हैं ज़ारा नूर अब्बास छा गई. अच्छा, थैंक यू सो मच. मुझे ना थैंक यू. अच्छा, आपको नहीं कह रही ऑडियंस ने, आपको तो मैं बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. जिन्होंने कहा है ना, हाँ जिन्होंने कहा है, ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे. आप सबको थैंक यू सो मच. जो बताएं, आपका सबसे नापसंदीदा दोस्त कौन था? आप. मैं तो अभी दोस्त नहीं बनाना, मैंने बना लिया था. नहीं, जब नहीं, मैं सीट पे बैठती मैंने आपको दोस्त बनाया, और अब सबसे नापसंदीदा दोस्त मैंने बना लिया आपको. नहीं नहीं, अगर आप मेरी दोस्त की बहन ना होती और आपकी शादी ना हुई होती ना, फिर मैं आपको दोस्त बनाता. हाँ, अच्छा. हाँ, क्योंकि मैं मार नहीं खाना चाहता. अच्छा, एक तो क्या कहते हैं आपके दो भाई हैं, तीन भाई अब आर्मी में. यस, अभी आप हस्बैंड, अभी आप मार नहीं खाना चाहते, तब आपने ऐसे सवाल पूछ लिया. अगर मेरे पीछे कोई पर्ची ना होती तो फिर आप मेरा क्या करते? अच्छा, आपके पीछे भी पर्ची है. ये पर्ची हुई ना मेरा भाई. अब पता लग गया है कि ये कैसे आई है इंडस्ट्री में. उन्होंने खुद कह दिया है कि इनके पीछे पर्ची है मेरे भाई की. अच्छा, ताकि आप जैसे लोग डर डर के सवाल करें. लेकिन जरा जो आप डर रहे हो, इंडस्ट्री में तो नहीं है आपको पर्ची ना आपकी. इंडस्ट्री आपकी स्टील मिल की इंडस्ट्री में होगी ऑब्वियसली. मेरी खाला है यहाँ. अच्छा, आपकी खाला ने आपको ये फिल्म लेकर दी. हाँ, अच्छा ठीक है. सारी बात का जो जिस्ट है वो ये कि मेरी खाला, मुझे तो बल्कि मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है मेरी खाला ने प्रोड्यूस भी यही की है. शहरयार ने थोड़ी की है, मेरी खाला ने की है. अच्छा, आपकी खाला ने पैसे लगाए हैं. हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है. और ARY वाले तो मेरे ससुराल वाले हैं. हाँ, अच्छा. आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था. चले, अब मैंने आपको बहुत फैक्ट्स दे दिए. नहीं नहीं, थैंक यू. मुझे पता. यो वेलकम. चल गया. कराची लाहौर की ये क्यों, ये बहस क्यों अभी भी चलती है? कहाँ चलती है, सारी दुनिया की बातें आप ही को समझ आ रही है, मुझे तो कोई बहस नहीं नजर आती. कराची वाले कहते हैं कि ना ये लाहौर में कोई काम नहीं मिलता, ये यहाँ आके काम करते हैं. नहीं, तो आपको नहीं कहा कभी? नहीं. अच्छा, मुझे कभी इस तरह की चीज़ें कराची लाहौर इस्लामाबाद पिंडी की कभी सुनने को नहीं मिली. मैं तो जिन लोगों के साथ आज तक काम किया उन्होंने सबको एज अ होल समझा है पाकिस्तान को. और पता नहीं आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो आप पे शक होने लग गया. मुझे एक बात है, जो आपकी दूसरी फिल्म थी जो पहले आ गई थी, ठीक है, उसके अंदर आपके हस्बैंड आपके साथ हीरो थे, ठीक है. जो आपको फिर जो पहली फिल्म आपको जो के बाद में आ रही है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्यों नहीं कहा कि उसमें भी आपके हीरो आपके हस्बैंड होने चाहिए? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को कह के तो नहीं रोल दिलवाती ना. जो डायरेक्टर को पसंद होगा, जो डायरेक्टर को लगेगा कि वो कैरेक्टर के लिए फिट होगा, उसी तरह उन कैरेक्टर्स को चूज़ किया जाएगा. अहमद अली भट्ट से ज़्यादा बेहतर अरशद का रोल कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता. अच्छा, मुझे बताएं पैसा होने के को पांच नुकसान बताएं. पैसा होने के पांच नुकसान मेरे पास तो नहीं है, तो मुझे फायदे तो काफ़ी है ना. हाँ, मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मुझे तो नुकसान और फायदे दोनों नहीं पता. आपके अम्मी के पास होंगे, आपकी खाला के पास होंगे, आपकी खाला एक शो के आने के 1,00,000 रुपए चार्ज करती हैं होंगे. हाँ? हाँ, आपको कैसे पता? मैंने उन्हें बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा. अच्छा, उन्होंने कहा मैं एक लाख चार्ज करूँ. मैंने कहा 1,00,000 तो नहीं है, मैं दुआएं दे सकता हूँ. उन्होंने कहा बेटा बड़ी दो दुआएं मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए. अच्छा, नहीं अब मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं तो नहीं बता सकती कि नुकसान क्या होते हैं. अच्छा जी. अच्छा, एक चीज़ मुझे बताया, आपकी ना अम्मी भी इतना अच्छा गाती हैं, उनका पिछले दिन एक गाना बेटो, तो आपके अंदर भी गाने वाली वो होगी? आपका भाई जो है छोटा भाई, वो भी बड़ा अच्छा गाता है.
सुना हूँ। अहमद भी बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ सुना के दिखाएं। अच्छा इसनी का सुना देती हूँ, हमारी फिल्म परे हट लव का गाना है। हाय लिरिक्स जो है मुझे हमेशा भूल जाते हैं, मैं आपके फ़ोन से लिरिक्स देख लूँ? जी जी। इंटरनेट चल रहा है? जी जी चल रहा है, मगर वो पैसे लगेंगे तो आप मुझे पैसे थोड़े से दे देंगे? मैं आपको दे दूँ 50 रुपये शायद लग। मैं दे दूँ, दे दूँगी आपको 50 रुपये। ना ही सोचा ना ही समझा, बस करने को ये चला, अभी तो मन मेरे पास था, कब बहका कब गला, बिना बोले जो नजर कह जाए, होले होले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बहकाना, मुझे बहकाना, अपनी गलत गलत सवाल में मुझे बहकाना, नहीं, नहीं। मैं नहीं बहकूंगी। बहुत अच्छा है। नहीं नहीं आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। थैंक यू। ठीक है, आपको यकीन है ना सिंगर बन जाना चाहिए। आई थिंक ये एक्टिंग, सिंगर बन जाओ, छोड़ दो एक्टिंग। एक्टिंग भी करें ठीक है, मगर एज अ सिंगर भी आप ना कोशिश करें। हो सकता है आपने क्यूबी से भी अच्छी बन। नहीं नहीं, क्यूबी बहुत हमारे मुल्क की बहुत मानाज गुलकारा है, मुझे लगता है मैं एक्टिंग में ठीक हूँ, मैं उसी को ठीक कर लूँ तो बड़ी बात हो। नहीं नहीं, वो ठीक हो गई है ना, हो गई है। फिल्में दो मिल गई हैं, पहली भेंट हो गई, ये भी इंशाल्लाह हिट है। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो अपना आप देखने आएंगे परे हट लव? बिल्कुल, मेरे साथ फिर परे हट लव का एक डायलॉग बोलेंगे। जी जी जी, पहले तो आप सामने देखें। समझे, मैं अहमद अली भट्ट, ठीक है, अहमद अली भट्ट नहीं को बन सकता, आप शब्बो ही बन जाए। चलो, जो मैंने शब्बो रोल किया ना, सामने देखें। जी जी, और कहें अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शब्बो। मैं शब्बो, प्लीज परे हट लव देखने आए, प्लीज परे हट ले। ये क्या किया, ये तो आपका ऑडिशन ही फेल हो गया, ये क्या पढ़ रहा है? फंबल हुआ ना, रीटेक। प्लीज परे हट लव देखने आए, और अपना बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा प्यार हमें दीजिए, हमें दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। ये तो आपने एयर होस्टेस का रोल किया। आज जैसे आपने बोला मैंने वैसे, लेकिन आपको तो रोल करने का था, मैं तो जैसे बोला आपने वैसे ही रिपीट कर दिया। मेरे बाल छोटे हैं ना, मैंने मेकअप शेकअप नहीं किया हुआ। आपने भी नहीं लगते बिल्कुल शब्बो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुझे चले चले, शो एंड करते हैं इसी पे। आपके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे भी। थैंक यू सो मच, खुशी हुई। प्लीज़ दो लफ्ज़ों में लोगों को बता दें कि लोग परे हट लव देखने क्यों आए। परे हट लव आप इसलिए देखने आए क्योंकि ये हम बड़ी ईद का बड़ा तोहफा है आप सबके लिए। आई थिंक अगर आप लोग ट्रू एसेंस ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा देखना चाहते हैं, जिसमें सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ स्टोरी भी हो, साउंड ट्रैक भी हो, और हसीन हसीन गुलकार और हसीन लोग एक्टर्स भी हों, तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए। हमने बहुत मेहनत की है और हम सब आप लोगों से बहुत उम्मीद रखते हैं, और बस देखने आए। इंशाल्लाह ये हिट होगी। इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म। दुआएं, यस यस। ऐसे लोग भी देख सकते हैं और ऐसे लोग भी देख सकते हैं, हम सब के लिए फिल्म बनी है। जी जी जी, ठीक है दोस्त। मैं यानी कम एज का, आप यानी यंगस्टर। अच्छा, यो क्राउड यंगस्टर, या यू 35 साल का यंगस्टर्स होते हैं आजकल। एब्सोल्युटली यंगस्टर, और सबसे यो मेरा दोस्त है, बेशक सबसे नापसंदीदा लेकिन मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। और मैं फिल्म देखने चलेंगे परे हट लव। चलो चले, टिकट लेने चलते हैं, लेट्स गो।